बड़ी खबर हमें इंदौर से मिल रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है मंत्री प्रहलाद पटेल का बड़ा बयान। इस वक्त की बड़ी खबर, छिंदवाड़ा की सीट एक बार ही जीते हैं, इस बार भी छिंदवाड़ा सीट जीतना चाहते हैं। ये बयान आया है और प्रहलाद पटेल ने कहा कि पार्टी फैसला करेगी तो चुनाव जरूर लड़ूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर, उन्होंने कहा चुनाव लड़ने से कभी मना नहीं किया। मंत्री प्रहलाद पटेल का ये बड़ा बयान है, चूंकि अभी 24 सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो घोषित कर दिए हैं, लेकिन अभी बाकी है 5 सीटें। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो लोकसभा में मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं और उनमें से 24 पर अब तक बीजेपी ऐलान कर चुकी है। अब मंत्री प्रहलाद पटेल का ये बड़ा बयान है, उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा की सीट एक बार ही जीते हैं और जीतना चाहते हैं एक बार फिर, उन्होंने कहा। बहुत उत्साह होकर, लेकिन मना तो कभी करता नहीं हूँ। पार्टी फैसला करती है तो मैं ऐसा आदमी हूँ जितनी जगह से, अब मुझे बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है। ये फैसले पार्टी के फैसले हैं, इसमें प्रहलाद पटेल का कोई फैसला नहीं। सर, छिंदवाड़ा के लिए बड़े चेहरों को तलाशा जा रहा था, क्या आप भी मानते हैं कि टफ सीट रहती है छिंदवाड़ा बीजेपी के लिए, बड़े चेहरों को हमेशा? अभी तक हम एक बार ही जीते हैं, जीते तो हम उसको भी है जीतना चाहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। अपन ने उस पर डिबेट करेंगे तो उनको भी बुलाओ सामने।